हेलो दोस्तों, सो कैसे हो यार आप सभी लोग। मेरा नाम है निखिल और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि आज के दिन आपको ये वाली वीडियो देखने को मिलेगी और गाइज कल के दिन आपको एक और वीडियो देखने को मिलेगी कैरियर मोड के ऊपर। और गाइज उसके बाद आपको वीडियो में डिले देखने को मिल सकता है, क्योंकि गाइज मेरे भाई की जो तबीयत है वो इस टाइम पर खराब चल रही है, तो इसलिए गाइज आपको वीडियो में डिले देखने को मिलेगा। तो आई होप दोस्तों आप हमारे साथ कॉपरेट करोगे, हमारी परेशानी को समझोगे। तो इसलिए गाइज मैं सॉरी भी कहना चाहूंगा आपको कि जो वीडियो में डिले आपको देखने को मिलेगा। तो गाइज आज हम WCG3 गेम के अंदर माई कैरियर मोड खेलने वाले हैं। तो गाइज इस बार मैंने जो अपना प्लेयर है उसको चेंज किया है। इस बार जो उसका रोल रखा है वो हमने ऑलराउंडर का रखा है और जो बॉलिंग स्टाइल है वो है राइट आर्म फास्ट। तो चलिए गाइज मैच नंबर 3 की शुरुआत होने वाली है अपने कैरियर मोड के। तो गाइज टॉस का टाइम हो चुका है, हेड्स इज अ कॉल और आकाश चोपड़ा की कमेंट्री बंद करना भूल गए हैं गाइज हम। तो गाइज टॉस हम जीत चुके हैं और पहले बैटिंग करेंगे। तो हमारा एकदम कूल सा प्लेयर गाइज आ चुका है, 13 नंबर रखा है इस बार गाइज जर्सी का मैंने। तो गाइज पहली ही बॉल थी, टू लेट टाइमिंग रही यार, आगे क्यों बढ़ गया गाइज प्लेयर ये समझ में नहीं आ रहा मेरे को। अब गाइज स्टंपिंग के चांस लग रहे हैं मेरे को गाइज। जी हाँ गाइज पोपट हो गया गाइज पहली बॉल पर आउट। कैरियर मोड गाइज थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, मैं बोलूँ तो गाइज आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ये, अगर बाकी के मैचेस की अगर हम बात करें तो। अच्छा हमको सिखा दिया है, तो ऑटो प्ले कर दिया है गाइज इनिंग को। 40 रन बनाए गाइज हमारे टीम ने और सामने वाली टीम को 41 रन का टारगेट मिला है। तो गाइज अभी भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम ही अभी गाइज हमारी बॉलिंग आने वाली है। तो पहली ही बॉल गाइज स्पेशल डिलीवरी और पीछे की तरफ शॉट खेल दिया है गाइज, सिंगल मिलेगा। तो गाइज कमाल की बॉल डाली, कोई स्पेशल डिलीवरी भी नहीं थी गाइज और सीधा बोल्ड किया है गाइज, क्या ही कमाल की बॉल थी गाइज। बैट्समैन तो समझ ही नहीं पाया किस तरीके से बॉल आ गई उसके पास और सीधा बोल्ड किया गाइज, पहली विकेट मिलती हुई इस मैच की। तो गाइज नो बॉल डाल दी है और अब तक गाइज बढ़िया एकदम कमाल का ओवर जा रहा था, लेकिन गाइज नो बॉल के चक्कर में गाइज ओवर की ऐसी की तैसी हो गई गाइज। तो गाइज स्पेशल डिलीवरी थी इसलिए गाइज फ्री हिट पर शॉट नहीं खेला, बचते हुए गाइज हम। तो चलिए गाइज 33 रन ही बना पाइए, तो 7 रनों से गाइज हम इस मैच को जीत गए हैं। तो देखते हैं गाइज कि कौन बना है मैन ऑफ द मैच। तो सक्सेना जी बने हैं गाइज मैन ऑफ द मैच, 22 बॉलों में 33 रन बनाए। तो चलिए गाइज अपने चौथे मैच की शुरुआत करते हैं अपने कैरियर मोड के और टॉस का टाइम हो चुका है और हर बार हम हेड्स ही कॉल करते हैं क्योंकि हर बार गाइज हम हेड्स से जीतते भी हैं। और गाइज इस बार भी हम टॉस को जीत गए, लेकिन इस बार सबसे पहले हम गेंदबाजी करने वाले हैं। और गाइज बॉलिंग में भी हमने गाइज कचरा किया है, पहली ही बॉल नो बॉल डाली, अगर ये बैट पर कनेक्ट हो जाती तो गाइज बहुत बड़ा शॉट हो सकता था ये। फ्री हिट गाइज, पीछे की तरफ शॉट खेल दिया है, फील्डर मौजूद है इसलिए गाइज सिंगल ही मिलेगा। तो गाइज सीधा फील्डर के पास शॉट खेल दिया है और डबल भाग रहे हैं गाइज, ये खामा खाम के डबल रन गाइज, ये क्या था गाइज ये क्या था। तो गाइज कमाल का ओवर जा रहा था, लेकिन सीधा सिक्स के साथ और कचरा किया गाइज हमने अपना। तो लास्ट बॉल गाइज स्पेशल डिलीवरी, रिवर्स स्विंग और लास्ट बॉल पर विकेट मिली गाइज। तो गाइज 39 रन का टारगेट दिया है और गाइज इस बार तो फिनिश ही करना है पूरी तरीके से मुझे गेम को। तो फोकस रहेगा गाइज इस बार की पूरी तरीके से हम मैच को फिनिश कर लौटे। तो गाइज परफेक्ट टाइमिंग रही और कमाल का सिक्स मिलता हुआ अपनी दूसरी ही बॉल पर, गुड टाइमिंग रही है गाइज, सीधा फील्डर के ऊपर है 4 रनों के लिए, बिल्कुल गोली की तरह भाग रही है गाइज गेंद।
तो गाइज लास्ट बॉल थी, सिंगल लिया है, स्ट्राइक अपने पास ही रखेंगे गाइज, वरना स्ट्राइक आती नहीं है। लेट टाइमिंग रही है गाइज, लेकिन फील्डर के ऊपर से खेला है शॉट और चार रन मिलेंगे गाइज। तो गाइज परफेक्ट टाइमिंग रही है, सीधा सिक्स के लिए जाएगी गेंद और इसी के साथ 23 रन होते हुए परफेक्ट टाइमिंग रही है गाइज, एक और सिक्स मिलेगा इस ओवर के अंदर, तो 29 रन हो चुके हैं। तो गाइज रन लेना इंपॉर्टेंट है गाइज, विकेट मिल जाएगा विकेट रन आउट के रूप में, स्ट्राइक अपने पास आनी चाहिए गाइज। अर्ली नाइस ट्राई टाइमिंग रही है गाइज, चौका मिलेगा, 33 रन इसी के साथ कंप्लीट होते हुए, 6 रन दूर है अपनी जीत के। गुड टाइमिंग रही है गाइज, लेकिन सीधा फील्डर के पास जाएगी गेंद, डबल आसानी से मिल जाएंगे, हाँ मिल जाएंगे गाइज आसानी से। गुड टाइमिंग रही है गाइज, फील्डर के सर के ऊपर से खेला शॉट और चौके के साथ मैच को फिनिश किया गाइज। तो गाइज 9 विकेट से मैच को जीत गए हैं, कमाल की बल्लेबाजी की गाइज आज हमने, 38 रन बनाए गाइज। तो मैन ऑफ द मैच भी गाइज हम ही बने हैं, निखिल हैज स्कोर 38 रन एंड टेकन 1 विकेट। तो चलिए गाइज अपने 5वें मैच की शुरुआत करते हैं और टॉस का टाइम हो चुका है गाइज, हेड्स इज अ कॉल। तो गाइज अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो गाइज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बॉलिंग करेंगे गाइज और आ चुके हैं बॉलिंग के लिए। तो पहली बॉल रिवर्स स्विंग स्पेशल डिलीवरी, डिफेंस किया है बैट्समैन ने। तो गाइज अपील की है और यार एम्पायर ने नकार दिया है गाइज, तो रिव्यू के साथ जाएंगे गाइज, हम देखते हैं गाइज कि क्या हमें विकेट मिलेगी। अगर ये एम्पायर कॉल होती है तो गाइज ये दिक्कत वाली बात रहेगी हमारे लिए। जी हाँ गाइज एम्पायर कॉल रही है और इधर डिसीजन कायम रहेगा एम्पायर का, नॉट आउट। तो गाइज विकेट नहीं मिल पाई, तो वापस से वही सेम शॉट खेला था लेकिन बल्ले पर कनेक्ट नहीं हुई। हर बार गाइज वही सेम शॉट खेलना चाह रहा है बैट्समैन लेकिन कनेक्ट नहीं हो पा रही, और इस बार गाइज नो बॉल डाल दी थी। और गाइज आप पीछे देख सकते हो विकेट कीपर ने अपील भी की थी लेकिन गाइज नो बॉल हो गई, इसके चक्कर में अपील काम नहीं आएगी अब। तो गाइज कमाल का ओवर रहा था, 2 रन दिए थे मात्र, 1 ही रन दिया था गाइज लेकिन फ्री हिट के चक्कर में 8 रन देने पड़ गए गाइज और विकेट भी नहीं मिली इस बार कोई। तो गाइज 50 रन बनाए हैं इस बार और 51 रन का टारगेट मिला है, और गाइज ताज्जुब वाली बात तो ये है कि एक भी विकेट नहीं ले पाई हमारी टीम। तो गाइज गुड टाइमिंग रही है, अब गाइज देख लेने तो दो यार कि क्या सिक्स गया है चौका गया है, तो सीधा सिक्स के लिए खेला है गाइज। अर्ली नाइस ट्राई टाइमिंग रही है गाइज, दूसरी बॉल पर चौका मिलेगा और इसी के साथ मात्र 2 बॉलों में 10 रन होते हुए गाइज। तो अर्ली नाइस ट्राई टाइमिंग फिर से रही है, चौका मिल जाएगा गाइज और 3 बॉलों में 14 रन। तो गाइज इस बार बल्ले पर कनेक्ट नहीं हुई और सीधा LBW कर बैठे हैं गाइज हम अपने आप को। तो गाइज रिव्यू के साथ तो जाएंगे लेकिन गाइज मुझे लग रहा है कि अब बचने के चांसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम हैं। तो जी हाँ गाइज इंपैक्ट इन लाइन विकेट सेटिंग, तो गाइज इस बार मात्र 14 रन ही बना पाए,
तो देखेंगे गाइस कि क्या हमारी टीम जीत पाती है या फिर नहीं। तो गाइस अगर हमने रन नहीं बनाए तो टीम ने भी गाइस रन नहीं बनाए। 34 रन्स पर ही लुढ़क गई है, 16 रन से हार गए हैं गाइस हम। हमने एक भी विकेट नहीं ली, तो गाइस किसी भी बॉलर ने विकेट नहीं ली। और गाइस हमने रन नहीं बनाए तो गाइस किसी भी बैट्समैन ने रन भी नहीं बनाए। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो कर देना लाइक। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो।